दिल्ली पुलिस को दो बदमाशों के पास से जो हथियार मिले हैं उनके पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में पकड़े गए बदमाशों के पास से जो पिस्टल बरामद हुई है उसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट करती है। एक पिस्टल तो ऐसी है जो दुनिया की सबसे लाइट वेट लेजर पिस्टल मानी जाती है। एक कार्बाइन भी मिली है। इस कार्बाइन का मेक मिलना अब बहुत मुश्किल है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनके पास से ये हथियार कहां से आए। साथ ही इस बात की पड़ताल करना भी बेहद अहम हो गया है कि क्या विदेश का कोई ऐसा सप्लायर है जो राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स तक अब इस तरह के अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा है। हालांकि पूछताछ में इन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के नामों का खुलासा किया है जिन्होंने इन्हें यह हथियार सप्लाई करने का काम किया, लेकिन अभी उनके रोल की पड़ताल की जा रही है। अगर पुलिस इन हथियारों के मुख्य सप्लायर तक पहुंच गई तो मुमकिन है कि जल्द ही दिल्ली में विदेशी हथियारों को गैंगस्टर्स तक सप्लाई करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा।